brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. पुलिस मेरी नौकर है, जो पुलिस ठीक समझती है वही करती है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी मेनका गांधी जी, सांसद मेनका गांधी जी। मैम, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? ठीक चल रहा है। तो कैसा आप लोगों के बीच जा रही है, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही है? क्या प्रतिक्रियाएं, मतलब लोगों के बीच आप जा रही है, लोगों के मतलब क्या मन में है जो आपसे वो बोल रहे हैं, बातचीत करें इस चुनाव के दौरान? हम लोग जाते हैं, वोट मांगते हैं, बस और क्या। इसके अलावा अभी हमने कल समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामभुवन निषाद जी, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कई सारी बातें ऐसी कही, जैसा उन्होंने कहा कि जो है पीडीए के जो लोग हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनकी जो है बातें नहीं सुनी जाती हैं आपके इधर पर। पीडीए क्या होता है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा। अच्छा, अब उनको कुछ तो कहना पड़ेगा। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मतलब लोग जब आते हैं तो आप मतलब उन्हें सम्मान नहीं देती हैं, अपशब्द भी कहती हैं, ऐसी भी बातें वो कह रहे थे। अब क्या कर सकते हैं, उनको कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा मैम, इसके अलावा आपके नाम के आगे जो है माता जी, यहाँ पर हमने काफी सुना लोगों के बीच, हम जब आपसे मतलब आपके बारे में जब बातचीत कर रहे थे तो लोग आपके लिए जो है माता जी कहते हैं, तो इसकी क्या कहानी है माता जी की? ये लोगों का प्यार है, और क्योंकि मैं सबकी रक्षा करती हूँ और सबकी मदद करती हूँ, तो शायद वो मुझे माँ की तरह देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, मतलब कल ही जो है समाजवादी पार्टी में सोनू सिंह ने बकायदा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी काफी सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 5 साल जो है सांसद ने कुछ काम नहीं किया, बस मेरे पीछे लगे रहे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते? अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मतलब मेरी बहन के ऊपर भी मुकदमा करवा दिया, फर्जी मुकदमा था वो। अच्छा, सोनू सिंह बोल रहे हैं पुलिस मेरी नौकर नहीं है, जो पुलिस ठीक समझती है वही करती। अच्छा मैम, इसके अलावा जैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगातार हमें देखने को मिला कि जो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उनमें काफी जो है नाराजगी है भाजपा को लेकर, क्या लगता है कि पूर्वांचल में भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है, कुछ ऐसा सीन? मुझे नहीं मालूम, यहाँ तो कोई नाराज है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि प्रतापगढ़ के जो प्रतापगढ़ या कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में प्रभावशाली नेता रहे राजा भैया, उन्होंने भी जो है खुलेआम अपने समर्थकों को कहा पहले कि आप जहां मन करे वहां वोट दीजिए, लेकिन उनके समर्थक जो है वो खुलेआम सपा प्रत्याशी के जो है भव्य स्वागत करते नजर आए, तो क्या कुछ लगता है कि ये कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे साथ ही। अच्छा मैम, इसके अलावा आज वरुण गांधी जी जो है ज्वाइन करने वाले हैं, और यहाँ पर इन द सेंस जो प्रचार है उसमें हाँ। ज्वाइन करने वाले हैं, तो क्या लगता है कुछ खास मतलब प्रभाव पड़ेगा, बल मिलेगा? क्या मालूम, हमारा काम है प्रयास करना, बस। इसके अलावा मैम, जिस प्रकार से वरुण जी का टिकट भी जो कटा पीलीभीत से, और अब जो है वो प्रचार में है, तो क्या कुछ लग रहा है कि आगे भविष्य जो है वरुण जी का कैसा क्या होगा? बीजेपी में तो है ही, है ना। अच्छा मैम, इसके अलावा ये भी बात कही जाती है उनके बारे में कि वो लगातार किसानों की बात और युवाओं की बात जो है वो करते थे, बाकायदा अपने ही सरकार पर सवाल कभी कभी खड़े करते थे कि रोजगार और वैकेंसीज को लेकर, क्या लगता है कि वो मुद्दे हावी पड़े? इलेक्शन में हर मुद्दा बेटा हावी होता, हर मुद्दा। मैम, इसके अलावा जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर काफी फोकस्ड किया, मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि रोजगार गारंटी देंगे और इसके अलावा जो है 30 लाख वैकेंसीज जो है वो कवर करेंगे सेंट्रल की, तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं में काफी जो है देखा जा रहा है कि सहमति है। युवा लगातार, हम प्रयागराज भी गए, प्रयागराज में जो हब है स्टूडेंट्स का, उनमें हमने देखा है काफी ज्यादा इस बात को लेकर वो गारंटी वाला जो मैनिफेस्टो है उनका वो बैग में लेकर रखकर घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये भाजपा के लिए बड़ा एक मुद्दा होगा? मालूम नहीं, सच मुझे मालूम नहीं। मैं सुल्तानपुर में के बारे में बात कर सकती हूँ, प्रयागराज में क्या हो रहा है मुझे नहीं।
नहीं, लेकिन ये जो मुद्दा जो रोजगार का कांग्रेस हर जगह, कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर उठा रहे हैं कि नहीं गारंटी नहीं है रोजगार, कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन अच्छा होगा अगर नौजवानों को ट्रेनिंग मिलती, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और बीजेपी की सरकार ने एक स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी खोला है, तो मैं भी इसकी सोचती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त नौजवानों के लिए, सब के लिए, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, रोजगार पर, स्किल डेवलपमेंट। इसके अलावा मैम, जिस प्रकार से अभी बयानबाजी सामने आ रहे हैं, उन बयानों पर एक सवाल जी, जो लगातार बयानबाजी हो रही है चुनावी माहौल में, प्रधानमंत्री की तरफ से जो है कहा गया कि पहले तो उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र वाला बयान दिया, उसके बाद आरक्षण पर भी जो है बातचीत हुई, राहुल गांधी जो है संविधान की किताब लेकर हर जनसभा में घूम रहे हैं, तो क्या कुछ जो है बयानबाजी पर आप कहेंगे? क्या बोलूं, हम यहाँ बयानबाजी करते नहीं है, मैं खाली अपने बारे में बोल सकती हूं, जो दूसरे कर रहे हैं वो जरूर ठीक ही कर रहे होंगे। मैम एक आखिरी सवाल, एलविश यादव वाले मामले पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि मैं कुछ नहीं,